आज हम पढ़ेंगे, हाँ तो आज हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। और सारे प्रूफ करके ही पढ़ेंगे, बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं बोलूँगा, प्रूफ करके ही पढ़ेंगे। फिलहाल उसके पहले जो आप में से बहुत सारों का गलती हुआ है, इंटरवल में बताता हूँ बेटे। मैं आपको बहुत बार बोला था कि इंटरवल फॉर्म में हम किसको लिखते हैं ना, रियल नंबर सेट या फिर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, उनको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनको हम रोस्टर में नहीं लिख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि आप, मैं अगर बोलूँ एक सेट ले लूँ, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो पहला बात है ये सेट में किस टाइप के एलिमेंट है। अगर इस सेट का कोई भी रैंडम एलिमेंट एक्स है, तो पहला तो एक रियल नंबर है, दूसरा बात है वो टू से बड़ा है। तो पता चलता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट टू से बड़ा है एंड रियल नंबर है। मतलब टू से बड़े जितने रियल नंबर सभी सेट के एलिमेंट है। अब इसको तो मैंने सेट बिल्डर में लिख दिया, वो हम लिख सकते हैं हर सेट को, लेकिन ये सेट को हम कदापि रोस्टर मेथड में नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे रोस्टर में लिखने के लिए, जैसे हम नेचुरल नंबर सेट को रोस्टर में लिखते हैं, 1, 2, 3 लेकर डॉट देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इसी पैटर्न से कि 1 से 2 एक बड़ा, 2 से 3 एक बड़ा, उसके बाद एक और बढ़ाओ, उसके बाद और एक बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, ऐसे करके इसी पैटर्न से ये सेट का बाकी के एलिमेंट के बारे में हमें अंदाजा चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन 2 से बड़े रियल नंबर्स कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू करोगे, व्हिच नंबर इज ग्रेटर देन टू एंड ऑल्सो इज अ रियल नंबर, व्हिच नंबर कम्स नेक्स्ट टू 2, 2 का जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा रियल नंबर आपको पता है? 2 का नेक्स्ट में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। 2 का नेक्स्ट 2.001 तक कुछ भी, 2 के नेक्स्ट में 2.1 भी है, 2.01 भी है, 2.001 भी है, 2.000, 2 के नेक्स्ट वाले नंबर में पता ही नहीं है, तो शुरू कहाँ से करोगे? और अगर कहीं से शुरू भी कर दिए, उसका कॉमा दे के उसका नेक्स्ट क्या लिखोगे? क्योंकि उसका नेक्स्ट क्या है, एक रियल नंबर का नेक्स्ट में इन्फाइनाइट रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हम ए सेट को हम रोस्टर में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसको मजबूरन इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2, इन्फिनिटी, आगे 2 रहेगा पीछे इन्फिनिटी लिखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटे 2 पहले आता है, इन्फिनिटी बाद में आता है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि इन्फिनिटी कमा 2, ऐसा नहीं होगा, पहले 2 आएगा फिर इन्फिनिटी आता है। क्या 2 इस सेट का एलिमेंट है? नो, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, 2 से आगे वाले, तो 2 में ओपन ब्रैकेट रखेंगे। और मैंने बोला था हमेशा इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट रखने के लिए, क्लोज ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि दे आर ओपन एंडेड, बार बार बताया था कोई लास्ट नंबर नहीं है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं दे सकते। क्लोज ब्रैकेट दे देंगे तो पता चल जाएगी ये लास्ट नंबर है, कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं, हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट। गेट माई पॉइंट सो फार? यस सर, यस सर, यस सर, यस 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 सर। अगर मैं इधर लिखूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इधर सेट है, सपोज बी लिखता हूँ, ये बी इज इक्वल टू, इसको भी हम नहीं लिख सकते रोस्टर में, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका 2 है और 2 से आगे सारे रियल नंबर्स, लेकिन 2 का नेक्स्ट वाला रियल नंबर कमा देके क्या लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हम इसको इंटरवल में लिखते हैं 2, इन्फिनिटी, 2 में क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी। लेकिन जो सेट को हम रोस्टर में लिख पाते हैं उनको हम इंटरवल में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 कमा डॉट डॉट डॉट, सॉरी 1, 2, 3 कमा डॉट डॉट डॉट, अभी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अभी ये गलत बात हो गया, ये नहीं, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है ना, ये सेट ऐसा है, मतलब इसमें 1 एंड ये तो खाली 1, 2, 3, इसमें 1, 2 के बीच वाले सारे रियल नंबर भी आ जाते हैं इसमें, मेरे पास समझ रहे हो, वो भी इसमें आ जाते हैं इंटरवल। यस सर, ऐसा कैसे लिख देते हो रे, ऐसा हाँ ऐसा कैसे लिख देते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कैसे बनोगे फ्यूचर में, इंजीनियर कैसे बनोगे,
कैसे इंजीनियर बनोगे, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको फॉरेन अब्रॉड भेजा जाएगा, आप अब्रॉड में जाकर काम कैसे करोगे, आप भेजा अगर नहीं लगाओगे तो। गॉट गॉट इट, ध्यान रखो ये सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं होगा किसी से। हेलो, तो क्वेश्चन वाला जो लिनियर इनइक्वालिटी दिया था उसका सॉल्यूशन में आपका आया एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, सेकेंड बीट में दिया था एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है आपका जो एक्स, एक्स क्या है बेटे ना, उस लिनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन, एक्स का वैल्यू अगर माइनस टू से बड़ा होगा तभी जाकर वो इनइक्वेशन सेटिस्फाई होगा। बीट टू में एक कंडीशन दे दिया है कि एक्स को नेचुरल नंबर भी होना है। एक तो एक्स अगर माइनस टू से बड़ा होगा तभी जाकर इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। बीट टू का कंडीशन है एक्स को माइनस टू से बड़े होने के साथ साथ नेचुरल नंबर होना भी जरूरी है। तो माइनस टू से बड़ा एंड नेचुरल नंबर कौन है? ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर माइनस टू से बड़े होते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटे, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, या फिर आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट, बहुत सारे इसको लिखे हो ऐसा, ऐसा नहीं है भाई। यू गॉट इट? यस सर, यस सर। इतने बार पढ़ाने के बाद यही सब गलती करोगे तो मतलब बड़ा दुख होगा बेटा, बड़ा दुख। पेपर चेक करते वक्त सैड लगता है। हाँ ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, पे अटेंशन, पे वेरी क्लोज अटेंशन। हाँ यस, क्या हुआ भाई बता। ओके लेट्स स्टार्ट। हाँ, यू नीड पेइंग अटेंशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो बेटे आपको याद होगा, हाँ दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, कोई क्वेश्चन इससे एग्जाम में नहीं आने वाला, आउट ऑफ सिलेबस, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है स्कूल के एग्जाम में, बट एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है इससे, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, हमारे पास समय है, क्यों वेस्ट करें, राइट, पढ़ लेते हैं। तो बेटे देखो, हेलो सर। हाँ यस, बताओ। अरे क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? हाँ यस, बीइंग रिकॉर्डेड, यस सर। ओके, तो बेटे देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम पढ़े थे, हेलो एवरीबडी लिसनिंग, जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने आपको बताया था ना बेटे, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है तीन ग्रीक वर्ड्स के मिक्स से, ट्रिगोनोमेट्री, बताया था, याद है कि ट्री, हेलो यस सर, यस सर, इसका मतलब थ्री, इसका मतलब साइड्स, और इसका मतलब मेजर। मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में इस्तेमाल क्यों होता है, कि एक साइड्स का, सॉरी एक ट्राइंगल का तीन साइड्स एंड तीन एंगल को मेजर करने के लिए। एक ट्राइंगल का तीन साइड एंड तीन एंगल को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली में इस्तेमाल होता है। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये चीज़, क्या है, चलो उसको पढ़ते हैं। फिलहाल बेटे आप एक चीज़ याद रखो कि ये एक ट्राइंगल हैज थ्री पार्ट्स, सॉरी सिक्स पार्ट्स, ए ट्राइंगल हैज सिक्स पार्ट्स। क्या वो सिक्स पार्ट्स हैं? थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। हर ट्राइंगल का छह पार्ट होते हैं, तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है। मेरा बात समझ गया बेटे? हर ट्राइंगल का सिक्स पार्ट होते हैं, तीन साइड, तीन एंगल होते हैं। और बेटे याद रखो, ये जो छह पार्ट्स हैं एक ट्राइंगल का, इनमें से अगर कोई भी तीन पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है तो बाकी के तीन पार्ट्स हमें पता चल जाते हैं, निकाल देते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के मतलब फॉर्मूला लगा के, जो भी हम पढ़ेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान रखो कि ट्रायंगल का छह पार्ट्स में से किसी भी तीन पार्ट के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, या फिर किसी भी तीन पार्ट्स का वैल्यू हमें पता है, बाकी के तीन पार्ट्स का वैल्यू हमें पता चल जाता है। गॉट माय पॉइंट सो फार? यस सर। ओके बेटे देखो, और एक टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको अक्वेंटेड करवाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल बेटे याद रखो, एनी ट्रायंगल व्हिच इज नॉट
राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ओब्लिक ट्राइंगल। बेटे राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सब ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटे बताओ? ओब्लिक ट्राइंगल्स होते हैं। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? ओब्लिक ट्राइंगल क्या होता है? अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? और ओब्लिक ट्राइंगल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओब्लिक ट्राइंगल्स। क्या क्या बेटे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट? ओके, तो ओब्लिक ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं बेटे? दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और क्या होता है बेटे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये दोनों को बोलते हैं ओब्लिक ओब्लिक ट्राइंगल्स। और एक हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? ये गया, ये टर्मिनोलॉजी के साथ थोड़ा थोड़ा खुद को एक्वेंट करो, सीखो, ठीक है? ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज पे। बेटे सपोज मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इधर मैं कोई भी ट्राइंगल बना सकता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ, या फिर मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ, या फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल भी, या फिर एक्यूट एंगल, जो भी ट्राइंगल मैं बना सकता हूँ। ट्राइंगल ट्राइंगल है, उसका तीन वर्टिसेस होते हैं एंड तीन साइड्स होते हैं। हर ट्राइंगल का तीन वर्टिसेस, तीन साइड्स होते हैं, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज। तो मानो मैं इसका ये वर्टिसेस का नाम देता हूँ ए बी सी। मेरे पास समझ रहे हो? यस सर। तो बेटे देखो, पहला तो ये जो ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं वो क्या है बेटे? एक ए है, एक बी है, एक सी है, राइट? ए बी सी आर द थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। बेटे जो बी वॉर्टेक्स है ना बेटे, ये जो बी वॉर्टेक्स का जो अपोजिट साइड एस सी, मतलब समझ रहे हो? बी वॉर्टेक्स का अपोजिट साइड एस सी, इसका लेंथ को हम स्मॉल बी के द्वारा डिनोट करते हैं। याद रखो, स्मॉल बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस सी, साइड एस सी, ऑलवेज रिमेंबर। गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू? हेलो, यस सर, यस सर। ये जो कैपिटल है वॉर्टेक्स है ना बेटे, इसका जो अपोजिट साइड बी सी साइड, इसका लेंथ को हम स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। और बेटे जो सी का जो अपोजिट साइड है ना बेटे, ये इसका लेंथ को हम स्मॉल सी के द्वारा डिनोट करते हैं। मेरे पास समझ रहे हो? सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, हाँ देख रहे हो? B इज इक्वल लेंथ ऑफ ए सी, देख रहे हो पैटर्न? देख रहे हो ए सी, ए इज इक्वल, देखो इसमें इसमें B नहीं है ना, देख रहे हो इसमें B है क्या? नहीं ना, ए इज द लेंथ ऑफ बी सी, हाँ सी द लेंथ ऑफ। अच्छा कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर। हाँ यस सर, तो ये ठहरे हर ट्रायंगल का छह पार्ट्स, और ये छह पार्ट्स, हाँ जरा फिर से रिपीट करेंगे सर? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छह हैं, ये है ट्राइंगल के छह पार्ट्स, ठीक है ना? ये छह पार्ट्स में से किसी भी तीन पार्ट्स के वैल्यू अगर हमें पता है तो बाकी के तीन पार्ट्स हमें पता चल जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री लगा के। मेरा बात समझ रहे हो? अब शुरू करें इम्पोर्टेंट मेन चीज, शुरू करें? ओके यस सर। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी इरेज। इसको आप नोट, क्लास नोट में नहीं लिखना है, इसको आप जो एक्स्ट्रा क्लॉक कॉपी जो किए होगे इवनिंग क्लास वगैरह उसमें लिखोगे, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट। डन, यस सर, डन। ओके, डन सर। ओके, तो बेटे पहला हम थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला और साइन रूल। पहला थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम वन, जिसको हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला और साइन रूल। बेटे साइन क्या है बेटे? साइन फंक्शन याद है ना, जो एस आई एन लिखते हो ना, वो साइन ही होता है एक्चुअली, एस आई एन ही उसका स्पेलिंग है ना, शॉर्ट में उसको एस आई एन लिखते हैं। बेटे जो कोसेक लिखते हो ना, उसको शॉर्ट में हम, जो कोसेक लिखते हो ना, वो असलियत में कोसेक कांट है, हम शॉर्ट में उसको कोसेक लिखते हैं। कॉट एक्चुअली में को टेंजेंट है, उसको कॉट लिखते हैं। टैन टेंजेंट है, सेक सेकेंट है। मेरे पास समझ रहे हो? इसी तरह साइन। ओके, तो पहले इसका रूल लिख देते हैं कि इन एनी ट्राइंगल, इन एनी, मैं ट्राइंगल को ऐसे लिखता हूँ, द साइड्स आर
प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे, डोंट वरी, प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। कौन महापुरुष अभी ज्वाइन कर रहे हैं? ओके हाँ, तो क्या लिखे हम कि इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में द साइड्स, हाँ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बट खाली प्रोपोर्शनल मतलब हमेशा समझ लेना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहीं पर लिखा होगा तो समझना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। खाली प्रोपोर्शनल अगर लिखा गया है तो क्या है बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे पास समझ रहे हो बेटे? हाँ, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स, दैट इज इन ए ट्रायंगल। व्हाट? यस सर, इन एनी आफ्टर दैट। अच्छा, ये सिंबल का मतलब है ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा अच्छा स्कूल में ऐसा ट्रायंगल, ऐसा सिंबल नहीं लिखते थे? नो सर, थोड़ा एस स्पेशल करते थे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ। ओके, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। तो देखते हैं क्या होता है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी स्मॉल ए बाई साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई साइन सी। तो पहले लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर हम प्रूफ भी करेंगे। अगर बेहतर होगा अगर पढ़ाई करते करते साथ साथ लिख भी रहे हो, जो बहुत अच्छा है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। डन सर। ओके यस सर। तो कोई भी ट्रायंगल एबीसी में स्मॉल ए बाई साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी बाई साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई साइन सी है। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सारे रेशियो का अगर रेसिप्रोकल ले जाए, दैट इम्प्लाइज साइन ए बाई स्मॉल ए इज ऑल्सो इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी। तो इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल आप लोगों को पता चल चुका है कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर बताता हूँ, अगर कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल में लिख रहा हूँ बेटे, एनी ट्रायंगल मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ये चैप्टर में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सारे दुनिया के सारे ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना? ओके, यूनिवर्सल रूल राइट एंगल के लिए। तो जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया हूँ, ये ट्रायंगल का ये एंगल को, ये वाला एंगल को हम बोलते हैं कैपिटल ए, हाँ साइन उसका साइन, हाँ ये वाला एंगल को हम बोलते हैं कैपिटल बी उसका साइन, ये वाला एंगल को बोलते हैं कैपिटल सी उसका साइन लिखा है। और बेटे ये जो वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड है ना बेटे, बी सी इसका लेंथ है स्मॉल ए, है ना, वही लिखा है ए स्मॉल ए। वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड ए सी है ना, उसका लेंथ को हम लिखते हैं क्या बेटे? स्मॉल बी। वर्टेक्स सी का जो अपोजिट साइड है ना बेटे, उसका लेंथ को क्या लिखते हैं हम? स्मॉल सी। मेरे पास समझ रहे हो? स्मॉल सी, हाँ स्मॉल सी, हाँ। तो यहाँ पर उसने क्या हमें डेफिनेशन में बोला साइन रूल का, पहले वो समझ लेते हैं कि वो बोल रहा है कि द साइड्स आर प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल। मतलब हर ट्रायंगल का जो साइड्स होते हैं वो खुद का अपोजिट वाला एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनका उनका साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। साइड का लेंथ, मेरे पास समझ रहे हो, साइड आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल के साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। मतलब हियर स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ कैपिटल सी। मेरे को समझ रहे हो? इन एनी एंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू साइन, गॉट इट? और उससे ये फॉर्मूला निकल के आता है, और ये फॉर्मूला को खाली आपको याद रखना है, इस्तेमाल करना है। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, कभी भी एंट्रेंस में भी नहीं आता है, मतलब ये तो स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब बोल रहा हूँ,
बट आई विल प्रूव इट टू यू, क्योंकि अगर प्रूव ना करके हमें मैं आपको बताता हूँ तो इसको एक फ़ायदा नहीं होता है ना, आप इसको पता नहीं कर पाओगे चीज़ होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बेटे हम क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल बनाएंगे, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और बेटे मैं क्या करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ व्हाट इज इसका ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आप देख सकते हो उसका सी इज राइट एंगल। मेरे पास समझ रहे हो बेटे? हेलो। यस सर। हाँ, उसका ये जो सी है, अरे देवदास देवदास कहाँ चला गया रे, बात नहीं कर रहे कहीं से। ओझा किधर गए रे तू? ए ओझा बात क्यों नहीं कर रहे? ओके, सो सी इज द राइट एंगल हियर, ठीक है। अच्छा तो ध्यान दो, मैं देखो मैं जानबूझकर पूरा करेक्ट पैटर्न में लिखा हूँ ताकि बी सबका मतलब देखो लेफ्ट में है और सी सबका राइट में है और ए ऊपर है, जानबूझकर ऐसा किया हूँ ताकि एक ही मतलब एक ही साथ सारे ट्रायंगल के सॉल्यूशन हम एक ही जगह लिख पाए, सारे ट्रायंगल को एक ही साथ प्रूव कर पाए, ये चीज़ें सारे ट्रायंगल के लिए। मेरा बात समझ रहे हो? अब हम बेटे क्या करते हैं, हाँ एक चीज़ ध्यान रखो, ये फिगर नंबर वन, ये फिगर नंबर टू, ये फिगर नंबर थ्री, और मैंने तीन फिगर्स को ऐसे बनाया हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पर जो सी है वो एक एक्यूट एंगल है और यहाँ पर जो सी है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है और यहाँ पर जो सी है वो क्या बेटे एक राइट एंगल है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो। यस सर। हाँ यस। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्यूट एंगल में क्या कर, एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल है उसमें क्या करते हैं, वॉर्टेक्स ए से उसका जो अपोजिट साइड बी सी है उसके प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? वॉर्टेक्स ए से बी सी के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर भी वही करेंगे लेकिन यहां पर बी सी के प्रति तो नहीं कर सकते, बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा पहले। मेरे बात समझ रहे हो? पहले बी सी को एक्सटेंड करते हैं, करने के बाद ए से एक परपेंडिकुलर उसके प्रति ड्रॉ करते हैं। यहां तो बेटे क्लियर, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके। और बेटे देखो इस केस में आप ए से उसका अपोजिट साइड बी सी को अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, खुद ऐसी ही है, खुद ही ऐसी है, राइट? खुद ऐसी ही मतलब अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये खुद परपेंडिकुलर। यस यस सर। तो ये काम कर देते हैं, इसी वॉर्टिस से वॉर्टेक्स को बोल देते हैं कि सी इज इक्वल टू डी, मतलब ये वॉर्टेक्स को आप सी भी बोल सकते हो, डी भी बोल सकते हो, ताकि सबका हो जाए। मेरे बात समझ रहे हो? इसका नाम है डी दिया हूँ, नहीं दिया हूँ यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर इधर है डी, इधर ही परपेंडिकुलर है डी और ये सी डी सेम वॉर्टेक्स, ए सी ए डी जो भी इसको बोलो, गेट इट? यस। और बेटे आपको पता है ऑलरेडी कि इसका लेंथ स्मॉल सी होगा, ए बी साइड का लेंथ, ए सी साइड का लेंथ स्मॉल बी होगा एंड ये लेंथ क्या होगा, स्मॉल ए होगा। अरे गॉट इट? स्मॉल है। यस सर। उसी तरह ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। और बेटे और एक चीज यहां पर देखो, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है इसका ये एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, पाए माइनस सी, क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये एंगल है क्या, उसका सी है, ये एंगल है कैपिटल सी, तो ये एंगल क्या होगा बेटे उसका, पाए माइनस कैपिटल सी बेटे होगा ना, दोनों मिलके लीनियर एंगल बन, लीनियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना बेटे दोनों, अगर ये सी है तो ये क्या होगा, पाए माइनस सी। इतना तक क्लियर हुए बेटे? अच्छा, और ये जो बेटे एडी परपेंडिकुलर, हाँ हर एक में एडी परपेंडिकुलर का लेंथ एच एच लेते हैं, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? एडी का लेंथ इधर भी एच लिया, एडी का लेंथ इधर भी एच लिया, और इसका इसका लेंथ ऑलरेडी हमें बी पता है, चलो थोड़ी देर के लिए उसको भी एच ही बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वही तो वही है ना। मेरे बात समझ रहे हो?
उसको थोड़ी देर के लिए बी इज इक्वल टू एच बोल देते हैं। तो देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। बट यहाँ तक एवरीबॉडी इज फॉलोइंग मी सो फार? यस सर। ओके 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 बेटे, ये हर फिगर में आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि AD बाई AB इज इक्वल टू साइन बी। हर फिगर में हम देख सकते हैं। चलो दिखाता हूँ। पहला फिगर में आते हैं, ये वाला फिगर में बेटे AD बाई AB इज इक्वल टू साइन बी, सही है कि नहीं भाई बताओ? जरा इमेजिन करो ये राइट एंगल ट्रायंगल को। बट ये राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो सर। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका बी है एंगल। अगर आप इसका साइन लो, साइन बी, तो क्या होगा भाई फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज, मतलब AD बाई AB। अरे होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर? यस सर। गॉट। इधर भी बेटे देखो, इधर भी देखो बेटे, अगर इधर भी आप देखो तो AD बाई AB, इधर भी देखो AD बाई AB। अगर ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल का आप देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, देख रहे हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सबको? यस सर। सबको दिखाई दिया राइट एंगल ट्रायंगल? बस ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन बी निकाले, साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटे? AD। हाइपरटेन्यूज क्या है बेटे? AB। ओके ओके। इधर भी देखो बेटे, इधर भी देखो, साइन बी है ना, ये बी है आपका है ना, ये तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एंगल के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अरे समझ रहे हो? यस सर। दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा तो आप बोलोगे सर तो AC है, मैंने बोला ना इसको डी भी पकड़ लो, इसका नाम हम CD दोनों देते हैं। गॉट इट? एक ही वर्टेक्स का दो नाम देते हैं, CD, ठीक है ना? इसको तो AD है मेरे पास, समझ रहे हो? AD बाई AB। क्लियर? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यस सर। यस सर। ओके। और बेटे हमने सब में अस्यूम किए हैं कि AD का लेंथ इज H, सब में अस्यूम किए हैं। देखो सब में अस्यूम किए हैं जो परपेंडिकुलर का लेंथ H है। चेक करो, इधर H, इधर H, इधर H, देख रहे हो? यस H। भाई ये, भाई AB साइड का लेंथ क्या होगा? स्मॉल सी नहीं होगा? बोले थे ना अभी AB साइड का लेंथ ऑलवेज स्मॉल सी। अरे हेलो। यस सर। तो H बाई C इज इक्वल टू व्हाट? साइन बी। तो H क्या मिल जाता है हमें ना? C साइन बी। बट यहाँ तक क्लियर? यस सर। ये पहला इक्वेशन। yes, किनको ये चीज में कितनों को डाउट है बताओ? जिनको डाउट है एक ही साथ पूछ लो, जिनको डाउट है एक ही साथ पूछो। कितनों में कोई किसी को डाउट है? नो डाउट? तो आगे चले। no, sir. ओके। तो हमने क्या देखे बेटे कि ये जो तीनों के तीनों फिगर में हमने ऐसा बनाए हैं तीनों फिगर को कि सब में, तीनों में H इज इक्वल टू C साइन बी। तीनों में, इसमें भी है ना, सब में देख लिए। अच्छा अब आते हैं फिगर वन का। फिगर वन में AD बाई AC करते हैं। क्या करते हैं बेटे? AD बाई AC। मेरा बात समझ रहे हो? देखो AD बाई AC बेटे, ये राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करो। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना रहा हूँ, देख रहे हो? ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे देख रहे हो? हेलो। यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये एंगल उसका सी है, तो इसका साइन क्या होगा बेटे? साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज। AD बाई AC, देख रहे हो? हाँ। yes, ओके। तो फिगर वन में हमने क्या देखे कि AD बाई AC इज इक्वल टू साइन सी, इजंट इट? पता चला? yes, ओके।
अच्छा बेटे, एडी का लेंथ हमने एच लिए हैं राइट, एसी का लेंथ क्या होगा बेटे, स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी, इजंट इट? हेलो यस सर। तो बेटे स्मॉल एच क्या हो जाएगा, चेक करो, बी साइन सी, ठीक है, याद रहेगा बेटे सबको? yes, याद रहेगा, ओके यस सर। अब फिगर टू में आते हैं, फिगर टू, फिगर टू में भी देखते हैं एडी बाई एसी क्या होता है फिगर टू में। चलो फिगर टू के पास आते हैं, फिगर टू में एडी एंड एसी, हाँ बेटे केयरफुली ऑब्जर्व करो, एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन, किसी का अटेंशन और दूसरे तरफ तो नहीं है ना? हेलो सर। अच्छा बेटे ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, इसका ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको जरा देखो, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल इसको जरा देखो। अच्छा इसमें ये वाला एंगल है पाई माइनस सी है ना, ये वाला एंगल है पाई माइनस सी, क्लियर, गॉट इट? अच्छा yes, तो ये वाला एंगल का अगर हम साइन निकाले फिगर टू में कि साइन पाए माइनस सी, ये वाला एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका अगर साइन निकाले तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है बेटे, डी भाई इसका हाइपरटेन्यूज क्या है भाई, ए सी, अरे गॉट इट, हेलो दो ही में लिख रहा हूँ कि एडी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, फिगर टू में भी, हाँ फिगर टू में आया एडी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, एंड लकीली वी नो दैट कि साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी, है ना भाई, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, हेलो हाँ अबे पाए है एक्स एक्सिस तो साइन साइन होकर रहेगा, पाए माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता तो प्लस साइन सी नहीं होगा, हेलो यस सर, एवरीबॉडी गॉट इट? तो एडी बाई एसी इधर देखो, इधर भी इसका पहला वाला ट्रायंगल में देखो एडी बाई एसी इज इक्वल टू साइन सी आया था, इसमें भी देखो एडी बाई एसी इज इक्वल टू साइन सी है ना, बस। और एडी का लेंथ क्या है बेटे, एच है, तीनों में तो हम एडी का लेंथ एच ही लिए हैं, और एसी का लेंथ तो हमें बी पता है इज इक्वल टू साइन सी, अरे एवरीबॉडी गॉट इट? तो एच इज इक्वल टू यस बी साइन सी, यस ओके। अब आते हैं फिगर थ्री पर, अब आते हैं फिगर थ्री पर। अब बेटे फिगर थ्री को जरा गहराई से ऑब्जर्व करो ये फिगर में, कि यहां पर एडी बाई एसी क्या होता है फिगर थ्री में, ये फिगर में, इन दिस फिगर AD by AC is what? कौन बताएगा? One होगा राइट? ये वाला फिगर में AD by AC, क्योंकि DC सेम वर्टेक्स है ना बेटे, दोनों ये AD जो है AC भी वही है, तो AD by AC is equal to one होगा ना बेटे, समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा आपको पता है ना बेटे कि one is also equal to sin pi by two, sin pi by two का वैल्यू one भी होता है? Yes, sir. हाँ. Yes. और आप देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में सी खुद राइट एंगल है, तो हियर सी इज पाई बाई टू, तो इसमें भी देखो आया ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन सी, अरे देखे, हेलो यस सर, यस यस सर, इन फिगर थ्री, इन फिगर थ्री ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू साइन सी, इसमें भी वही आया एडी बाई एसी टू साइन सी, इसका पहले भी वही आया था, इसमें भी था, तो इसका। अच्छा एडी का लेंथ क्या है बेटे, एच है बाई ए सी इज बी साइन पाई बाई टू, ओह सॉरी पाई बाई टू, हाँ सॉरी सॉरी साइन पाई बाई, यस साइन पाई बाई, वेरी गुड। तो एच क्या हो गया बेटे, बी साइन सी, अरे देखे Yes, sir. तो इसको थोड़ा जूम आउट, उसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक नजारा देखते हैं, क्या है बेटे कि ये वाला पहले से ही हमें पता है, पहले से ही हमें पता है कि तीनों के तीनों ट्रायंगल में H इज इक्वल टू सी साइन बी,
तीनों के तीनों ट्रायंगल में, पता है एच इज इक्वल टू सी साइन बी, मैंने बताया था दिखाया था। अब पता चला तीनों के तीनों ट्रायंगल में एच इज ऑल्सो इक्वल टू बी साइन सी, है ना, देख रहे हो बी साइन सी, बी साइन सी, अरे मेरे बात समझ रहे हो, तीनों के तीनों ट्रायंगल में एच इज इक्वल टू सी साइन बी, तीनों के तीनों ट्रायंगल में एच इज ऑल्सो इक्वल टू बी साइन सी, अरे देख रहे हो। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब तीनों के तीनों ट्रायंगल में सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, इजंट इट, अरे एच इज इक्वल टू दिस, एच इज इक्वल टू दिस, चलो ये दो भी इक्वल होंगे ना, ये भी एच के साथ बराबर। यस सर। गॉट इट और नॉट? हेलो। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। यस सर। तो पता चला इसको, इसको मैं, इसको हम टू लिख देते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू एच इज इक्वल टू बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। हाँ, तो इससे क्या पता चला, दैट इम्प्लाइज बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, इज इट, देखो स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी। तो बड़े मुझे एक बात बताओ, अगर ये साइन बी को इसके नीचे ले आऊँ तो बी बाई साइन बी इज इक्वल टू ये स्मॉल सी के नीचे साइन से ले आऊँ तो सी बाई साइन सी हो गया। अरे देखे बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। वेरी गुड। सिमिलरली बिल्कुल यही प्रोसीज्योर से हम अगर, जैसे यहाँ पर हमने क्या किए थे ना, वॉर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, उसी तरह अगर वॉर्टेक्स बी से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर वॉर्टेक्स सी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो उसी तरह आपको पता चल जाएगा, जैसे यहां पर पता चला बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, उसी तरह वहां पर भी पता चल जाएगा कि ए बाई साइन ए, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। कैसे, जैसे हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप उसे बाकी दोनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सेम प्रोसीजर में कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट। तो क्या पता चला, तो क्या पता चला, तो क्या पता चला, तीनों इक्वल है राइट, ए बाई साइन ए अल्टीमेटली तीनों इक्वल है ना, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, और वैसे तो पता ही था कि बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, तो प्रूव हो गया बेटे ये। इसको बोलते हैं साइन लू, साइन लॉ या फिर साइन रूल, ठीक है। सो यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। एक सेकंड। डन सर। टेक इट, टेक इट, टेक इट, डन सर। यस सर, डन। ओके, टेक इट, डन। यस सर। टेक इट, डन, टेक इट, डन, टेक इट, डन, डन, आगे चले। यस सर। ओके। यस। अच्छा बोर हो गए हो क्या? नो सर। नो सर। नो सर। कोई भी, कोई भी बोर नहीं हुआ है तो? नो सर। अच्छा। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो अगर बोर नहीं हुए हो तो इसी को लेके ही एक सवाल हम करते हैं, ठीक है। इसी को लेके, इसी को अप्लाई करके, पहला थ्योरम जो हम पढ़े इसी पहला थ्योरम को अप्लाई करके एक सवाल करते हैं, फिर दूसरा थ्योरम पढ़ाऊंगा उसको अप्लाई करके भी एक सवाल हम करेंगे। पहले मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन निकालता हूँ, जरा वेट करो, ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले अच्छा होता है करना। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, हाँ उसी को लेकर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि बेटे इफ स्मॉल ए इज इक्वल टू टू, स्मॉल बी इज इक्वल टू थ्री एंड साइन ए, बेटे हाँ इन ए ट्राइंगल, हाँ पहले लिख देते हैं इन ए इफ इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ए बी सी,
बेटे ये चैप्टर का नाम हम कहाँ शुरू किए हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। मेरे पास समझ रहे हो बेटे, ट्रायंगल के बारे में सब पढ़ रहे हैं, खाली ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका ए का लेंथ 2, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है एंड साइन ए का वैल्यू इज 2/3। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, एक मिनट करके मुझे बताओ। हाँ तो बताओ, बताओ सो बताओ क्या 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 आंसर, साई कितना आंसर है यार? 93। आयुषी, हेलो आयुषी। यस सर। कितना आंसर है यार? नहीं क्यों तो निकाल रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। ओके प्रियंका सर 90 डिग्री। देबू 90 डिग्री। ओझा सर 90 डिग्री। फाइव बाई टू। वेरी गुड। हाँ अच्छा ओझा बोला 5/2 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 बेटे देखो बेटे इधर आपको एंगल ए का अपोजिट साइड का लेंथ पता है, मतलब स्मॉल ए का लेंथ पता है, एंगल बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी का लेंथ पता है, ए का साइन भी दे दिया है बी। बड़ा बड़ा आसान है बेटे, आपको पता है ऑलरेडी कि वी नो दैट, पहला थ्योरम से हमें पता है कि दुनिया का कोई भी एबीसी ट्रायंगल हो उसका ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी। तो हमें ए का वैल्यू क्या पता है बेटे, 2 पता है, साइन ए का वैल्यू 2/3 पता है, बी का वैल्यू क्या पता है बेटे, 3 पता है बाई साइन बी, इजेंट इट। तो बेटे क्रॉस कर देंगे तो साइन बी विल बी इक्वल टू, अगर क्रॉस कर दें तो बेटे इधर ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2/3, फिर ये आके 2 डिवाइड हो जाएगा इस साइड में, राइट, इधर 2 न्यूमरेटर में आके डिवाइड होगा, इधर 2/3 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई किया 3 कट गया, 2 कट गया, तो साइन भी आया 1, तो बी क्या होगा 5/2 या फिर 90, है ना भाई? अरे मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल करते हैं, उसी को लेके एक बस लॉन्ग क्वेश्चन खाली करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, छोटू सा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं फिर भी। हेलो सर। हाँ यस सर। तो मेडिकल वीडियो देखेगा बाद में आके? इन एनी ट्रायंगल सर अटेंडेंस और कोई ले जाएगा। तेरा क्या हुआ है सर? स्किन डिजीज सर। बेटे बेटे कंटिन्यू करे तो, क्योंकि आप अगर आप जब बोलोगे मैं वहाँ पर छोड़ूंगा, आप जब बोलोगे मैं वहाँ पर छोड़ूंगा। गॉट इट, आज आपके ऊपर निर्भर करता है, जिस टाइम आप बोलोगे सर इतना ही मैं हम उतना रखेंगे। हाँ साइन बी, बस खाली कोई सवाल के बीच में मत बोलना, सवाल खत्म हो जाने के बाद बोलना अगर कहीं रुकना है। प्रूव दैट साइन बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और एक सेकेंड ना, हाँ एक सेकेंड। ओके हाँ सो लेट्स स्टार्ट। हाँ हेलो। यस सर। हाँ यस। ओके सो वी हैव टू प्रूव दैट इन एनी कोई भी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल एबीसी में उसका बी माइनस सी एंगल का साइन डिवाइडेड बाय बी एंगल प्लस सी एंगल का साइन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इनफैक्ट बेटे ये सब एक एक खुद एक एक फॉर्मूला है याद बहुत सारे रख देते हैं, बहुत सारे याद भी नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई याद रख देता है तो इसको लगा के बहुत सारे क्वेश्चन भी आराम से धड़ाधड़ 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 कर देता है। हाँ ये सब एक फॉर्मूला है कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी लो उसका यही होगा, राइट। तो इसको प्रूव करते हैं। तो बेटे इसका प्रूफ को हम करेंगे आर एच एस से। कहाँ से करेंगे बेटे? आर एच एस से। लेकिन आर एच एस से प्रूव करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे बेटे, आप सब स्कूल में रेशियो प्रोपोर्शन में ये सब कर चुके हो कि वी नो दैट, हमें पता है कि ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी
बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, इज इंट इट। ये सारे तीनों रेशियो इक्वल है, ये तीनों रेशियो इक्वल है। लेट ये तीनों रेशियो का वैल्यू के है, मेरा बात समझ रहे हो? लेट, हेलो, गेट इट, मानो ये तीनों रेशियो के है। लेट तो से मतलब बेटे मकी बोलते हैं इसको, तो बेटे ए का वैल्यू क्या होगा? के साइन ए। बी का वैल्यू क्या होगा? के साइन बी, मेरे बात समझ रहे हो? सी का वैल्यू क्या होगा? के साइन सी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो, तो बेटे आते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या रखा बेटे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है आरएचएस। आरएचएस इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देख लो वही देना आरएचएस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आपको क्या दिखाना है? एलएचएस के साथ इक्वल दिखाना है, मतलब साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस सी दिखाना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे कि क्या हम बी का जगह के साइन बी लिख सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट स्मॉल बी इज इक्वल टू के साइन बी। तो बी स्क्वायर क्या होगा बेटे? कि के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस स्मॉल सी का वैल्यू कितना है बेटे? के साइन सी। तो स्मॉल सी का जगह क्या लिख सकते हैं बेटे? स्क्वायर साइन स्क्वायर। हेलो, गॉट इट एवरीबॉडी? स्मॉल ए का वैल्यू क्या है बेटे? के साइन ए। तो इधर ए स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर साइन स्क्वायर। और बेटे देखो ये ना के स्क्वायर ऊपर कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला के स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या रहेगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए। तो देखे एक चीज बेटे कैसे हो रहा है, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी स्क्वायर माइनस साइन सी स्क्वायर बाई साइन ए साइन सॉरी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए सी माइनस बाई साइन स्क्वायर ए। पैटर्न देख रहे हो? पैटर्न देख रहे हो? ओके। अच्छा बेटे देखो आप जरा अपना एल एच एस पे नजर डालो। एल एच एस में न्यूमेरेटर में है साइन बी माइनस सी और डिनोमिनेटर में साइन बी बी प्लस सी, अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले न्यूमेरेटर को देख लेते हैं। न्यूमेरेटर में है साइन बी माइनस सी। अच्छा जरा कोई मुझे बता सकता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाए थे आपको, ये साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के साथ एक क्या ऑपरेशन करें उसमें से साइन बी माइनस सी निकल के आए? बड़े पढ़े थे याद है कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। हेलो, यस सर, यस सर, तो बड़े इधर लिखा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का क्या करें? देखो क्या करें, cos 2a लकीली अब मैं दिखाता हूं आपको बेटे, जरा गौर करो अपना LHS पर। LHS का न्यूमेरेटर में आपका साइन b माइनस सी है, जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है साइन b माइनस सी। क्या आपको LHS में कहीं पर न्यूमेरेटर में साइन b प्लस सी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या LHS में? नहीं ना, मतलब सम हाउ साइन बी प्लस ही गायब होना चाहिए और नीचे भी साइन स्क्वायर का कोई नामो निशान है, उसके जगह कुछ साइन बी प्लस ही लिखा है, मतलब इसका भी कुछ मतलब इसके साथ कुछ लिंक होगा, ये भी कुछ मतलब इसको गायब करना है, इससे इसको भी लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे, ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ पर ट्राइंगल के बारे में बात करें, राइट? वी नो दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सॉम क्या होता है बेटे? 180 डिग्री। मेरे बात समझ गए बेटे? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो बेटे मुझे बताओ क्या ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी? क्या सही है? यस इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। If we take sine on both sides, अगर हम दोनों साइड में साइन ले जाए, है ना, दोनों एंगल अगर इक्वल है तो दोनों का साइन भी इक्वल होगा, दोनों साइड में साइन ले जाते हैं। Yes, sir.
ये मैंने पढ़ाया था, आप भूल गए हो, लेकिन जो जो पढ़ाया था वो वाला कौन बोला था, एक छोड़ याद नहीं आ रहा। ओके साइन है इजिकल, यहाँ तक बड़े समझ में आया। और भाई यस सर आप सबको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इजिंट इट, इजिंट इट? यस सर। तो साइन पाई माइनस दिस एंगल क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी। तो इनफैक्ट यहीं से मैं पहले इसको इसको करेंगे, फिर मैं ये फॉर्मूला को एक जगह लिखवा दूंगा, ठीक है? तो बेटा हमने क्या देखा कि साइन ए का वैल्यू साइन बी प्लस सी के साथ बराबर है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर बी प्लस सी के साथ बराबर होगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ऊपर से के साइन बी प्लस सी, नीचे से के साइन बी प्लस सी कट जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी है साइन बी माइनस सी, नीचे हो गया साइन बी प्लस सी, एक बचा, प्रूव हो गया आपका एल एच एस। हेलो यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो इधर से बेटे एक चीज ध्यान रखो कि एक ट्रायंगल में, ओके जब मैं कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ाया था, कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ाया था उस टाइम पता था, ओके आफ्टरनून में क्लास किया था, बहुत सारे नहीं आए थे याद है मुझे। हाँ तो बेटे कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो उस हिसाब से बेटे साइन ए विल बी इक्वल टू साइन बी प्लस सी, सिमिलरली साइन बी विल बी इक्वल टू किसमें, ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में, समझ रहे हो? यस सर। हाँ फिर साइन सी विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ए प्लस बी। अरे मेरे बात समझ गए? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके उल्टा भी आप दिखा सकते हो, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो बी प्लस सी क्या होगा, पाई माइनस ए, दोनों साइड साइन ले जाते हैं, उल्टा भी दिखा सकते हो, साइन ऑफ पाई माइनस ए और साइन ऑफ पाई माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, तो दिखा दिया, प्रूफ हो गया। तो इसको याद रखो और टेक द स्क्रीन शॉट, मैं बोलो जब बोलोगे तब छोड़ दूंगा, कब छोड़, अभी छोड़ दूंगा? नो सर। अरे बाकी बाकी तो करने बोलने, नो सर, टेक द स्क्रीन शॉट। खाली कोसाइन लॉ प्रूव कर देते हैं, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है? अच्छा गिव मी जस्ट वन सेकेंड। ओके अच्छा कल भी आफ्टरनून में क्लास नहीं, कल क्रिसमस है आप लोग, मैं क्रिसमस में नहीं आऊँगा, चलो ये परसों करते, क्रिसमस में नहीं आऊँगा, नहीं जब पता भी नहीं आऊँगी। चलो कोसाइन कोसाइन लो, कोसाइन फॉर्मूला। अरे ठीक है मुझे पता है क्रिसमस है, एंजॉय वेंजॉय करो। ओके ठीक है। अरे गुस्सा हो जा रहे हो कम पे? नो सर। नो सर। ये बड़े नो सर, बड़ा बड़ा ही मतलब बेतुकीसा इंसान है, क्रिसमस पे भी पढ़ाने के लिए बोल रहे, बड़ा बेतुकीसा इंसान है, पागल जाएंगे ना ये लग रहा होगा। कोसाइन फॉर्मूला। अच्छा बड़े कोसाइन फॉर्मूला देखो, याद रखो पहले हम पढ़े थे थ्योरम वन में साइन फॉर्मूला, अभी पढ़ेंगे कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो बीट वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इन एनी ट्रायंगल, हाँ याद रखो पहले लिख देता हूँ, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी में स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, बट याद रखना बड़ा आसान है, देखो अब तक यहाँ पर यह पैटर्न पता चल रहा है, इनटू खाली इधर याद रखोगे कि कॉस ए, तो याद रखो बेटे कोई भी ट्रायंगल में ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, याद रहेगा बेटे। उसी तरह सिमिलरली यस सर बी स्क्वायर एनी ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो बेटे इधर ए स्क्वायर लिखा है तो बचा क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर लिखा है बचा क्या बेटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस टू सी ए फिर कॉस बी। अरे समझ रहे हो? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। अरे याद रहेगा? हेलो यस सर। ओके यस ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है हम पहले सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का इसका प्रूफ मैं लास्ट में मतलब खाली बोल मुंह में बोल दूंगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में का इसका प्रूफ बहुत ही इजी है। तो पहले हम देखते हैं एक्यूट एंगल में, ठीक है? अरे बात समझ रहे हो? सो लेट मी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल फॉर यू। उसका नामकरण कर देते हैं कि ए बी सी, और एक इधर एक ऑब्ट्यूस एंगल बना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसका नाम ये फिगर वन है, ये फिगर टू है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये वही है, ये बी और ये सी। हाँ यस तो बेटे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं अभी पहले ही तरह दोनों में ए से बी सी के प्रति परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर यू गॉट इट? यहाँ पर थोड़ा प्रोड्यूस करके ड्रॉ करेंगे। यस सर परपेंडिकुलर। ओके और बेटे आपको पता है कि ये होगा इसका लेंथ स्मॉल सी, इसका लेंथ स्मॉल बी, और इसका लेंथ स्मॉल ए, और इसका लेंथ स्मॉल सी, इसका लेंथ स्मॉल ए, इसका लेंथ स्मॉल बी, ठीक है? अच्छा, और बेटे फिगर वन को जरा क्लियरली ऑब्जर्व करो। फिगर वन में, इन फिगर वन बेटे क्लियरली ऑब्जर्व करो कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। जरा देखो, इधर देखो बेटे, बीसी का स्क्वायर, ये देखो बीसी का स्क्वायर प्लस सर, अरे डी छोड़ दिया। हाँ सर सर बी सी सर यहाँ पे सर। हाँ सर आप बी ए का स्क्वायर बोल रहे हैं। ओह सॉरी 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 सर। हाँ सॉरी सर, बी सी का स्क्वायर। अच्छा 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 जी उल्टा लिख देते। ओह अच्छा अच्छा सर। सॉरी ओह हमारे फिगर के हिसाब से हाँ उल्टा लिख गया। अच्छा मैं इसको ए बी समझ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसे उसी हिसाब से बेटे आप चेक कर सकते हो इधर कि एसी का स्क्वायर, ओके एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। इजंट इट? चेक करो। यस सर। यस सर। हाँ एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, सबको समझ में आ रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन रूल अगर डाले तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, एंड ये है क्या, हाइपरटेन्यूज। इजंट इट? दिस इज हाइपरटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरटेन्यूज स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो यस सर। ओके यस सर। तो बेटे इधर देखो बेटे, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी, ये जो डीसी लिखा है ना बेटे, अब सबको पता है कि DC इज ऑल्सो इक्वल टू BC माइनस BD, isn't it? DC इज इक्वल, ये फिगर वन में कर रहे हैं ठीक है ना, इन फिगर वन DC ये लेंथ इज इक्वल टू BC माइनस BD। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ओके तो बेटे जो इधर जो लिखा है DC का स्क्वायर, हाँ जो DC का स्क्वायर तो क्या लिख देते हैं इसके जगह, बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा तो बेटे इधर होल स्क्वायर खोलते हैं, होल स्क्वायर चलो खोलते हैं, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस टू बी सी
इनटू बीडी। हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर यस सर। ओके, और बेटे जरा ऑब्जर्व करो कि बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर मिलके क्या होता है। ये ट्रायंगल जरा ऑब्जर्व करो, ये वाला ट्रायंगल एबी स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल एबी स्क्वायर। हां, ये वाला ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटे, एबी का स्क्वायर, है ना। तो बेटे देख लो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हाँ डी स्क्वायर, यस। क्या हो गया बेटी, ये ए बी स्क्वायर इज इन डीड ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इन टू बी डी। अब जरा बी डी के पास आते हैं, सॉरी हाँ सर, थोड़ा पानी भी लीजिए। हाँ एक मिनट, थोड़ा मैं पानी भी कहता हूँ, एक सेकंड। यस, तो एसी, एसी हमारा क्या है बेटे, एसी का लेंथ हमारा क्या है बेटे, बी, मतलब ये बी स्क्वायर है ना। अच्छा, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस बी होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए। अच्छा इधर क्या लिखा है बेटे, बी डी, बी डी किधर गया, बी डी, बी डी, हाँ बी डी, यस। अच्छा जरा देखो, यही ये ट्रायंगल में है ना, ये ट्रायंगल में कॉस बी क्या होगा, व्हाट विल बी कॉस बी, ये वाला ट्रायंगल में कॉस बी क्या होगा, कॉस बी बताओ, कॉस बी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यस, बीडी बाय एबी, एबी, बस। तो बीडी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, एबी इनटू कॉस बी, एबी इनटू कॉस बी लिख सकते हैं बीडी की जगह, बस। तो इधर जो BD लिखा है उस BD का जगह क्या लिख देते हैं बेटे, AB into cos B, है ना। आज BD is equal to AD into AB into cos B। तो बेटा अब देखो, अब आ गया, डिराइव हो गया हमारा फॉर्मूला। AC क्या है बेटे, B है, स्मॉल B, AC का लेंथ स्मॉल B है, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, क्या है बेटे, हेलो स्मॉल C है, राइट, सी का स्क्वायर, बी सी क्या है बेटे, स्मॉल ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस टू, बी सी क्या है बेटे, स्मॉल ए है, ए बी क्या है, स्मॉल सी है, इनटू कॉस बी। प्रूव हो गया बेटे, यस सर, यस सर। उसी तरह बाकी बाकी दोनों भी आप उसमें उस मतलब वहां पर भी प्रूव कर सकते हो, उसी तरह हम ऑब्ट्यूस एंगल में भी इसको प्रूव कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये सही बात है। जरा चेक करो कैसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है सर। हाँ, पाइथागोरियन रूल उसे आ जाता है। हाँ बोलो सर, जो फिजिक्स में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था सर, उसमें सर ने सर ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल लेके उसको प्रूव किया था, क्या दिया था, तो यस सर। तो फिर ये सब पहले से पता था, यस सर, यस सर, यस सर। तो फिर मैं क्यों फिर से पढ़ा रहा हूँ, साइन लॉ पता था पहले से, साइन लॉ नहीं पता था सर, ये पता था, नेपलर, नेपलर्स लॉ पता, पता पता है, नो सर नहीं पता है। ओके हाँ, तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में खाली देख दो बेटी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो इसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल बी, इसका लेंथ क्या होगा बेटा, स्मॉल सी, इसका लेंथ क्या होगा, स्मॉल है ना। यहाँ पर बी क्या है बेटा, हाइपरटेन्यूज है, स्मॉल सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए क्या है, बेस है। और आप सबको पता है कि पाइथागोरियो क्या क्या बोल के गए थे कि बी स्क्वायर मतलब पर मतलब हाइपरटेन्यूज स्क्वायर जो कि बी है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, इतना बोल के गए थे पाइथागोरियस, यस सर। हाँ अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये अपेंड कर दूँ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, जरा देखो, नो सर, वहाँ पर ऑटोमेटिक जीरो ही होगा। हाँ बेटा, आपको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस जीरो इज सेम है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इंडी, अच्छा यस सर। अब ये जीरो के जगह मैं टू सी ए कॉस बी लिख देता हूँ, और क्यों क्यों बेटा, आपको पता है कि बी राइट एंगल है, बी राइट एंगल है तो उसका कॉस जीरो होगा, राइट एंगल कॉस 90 डिग्री जीरो, यस सर। हाँ तो आ गया, देखो प्रूव हो गया उसे, एक्यूट भी था, ओके ठीक है, तो ये सब पहले से पता है नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। सो नेपलर्स लॉ, नेक्स्ट लॉ निकालता हूँ,
लॉस का कितना निप्ल और लो बता दूंगा अगर 10 मिनट में होगा तो बता दूँ। यस सर। अच्छा सेवन को डिपेंड क्लास है तो इसीलिए। सेवन को डिपेंड क्लास है। यस सर। ओके। नेपियर्स नेपियर्स एनालॉजी नेप्लोर नहीं नेपियर्स हाँ नेपियर्स एनालॉजी ठीक है ना इसको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी बट नेपियर एनालॉजी क्या बोलता है कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बीट वन टैन ऑफ बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी बाई स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉट ए बाई टू याद रखना बड़ा बहुत आसान है टैन ऑफ बी माइनस सी बाई टू हाँ बी एंगल सी एंगल जो ट्राइंगल का है बी माइनस सी बाई टू का टैन इज इक्वल टू बी सी तो आपको पता है साइड का लेंथ है ना स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी देखो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी अरे देख रहे हो इंटू कॉट बेटे बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है और कौन सा एंगल बचा है बेटे ए हेलो गेट इट यस सर उसी पैटर्न से नेक्स्ट वाला बताओ टैन सी माइनस ए बाई टू क्या होगा उसी पैटर्न में बताओ सी माइनस ए बाई सी प्लस ए कॉट बी बाई टू और जो बाकी एक बचा है बताओ टैन ए माइनस बी का टैन ए माइनस बी बाई टू का ए माइनस बी ए प्लस बी कॉट सी बाई टू सी बाई टू ठीक है अच्छा अच्छा तो खाली इसको प्रूफ कर देते हैं फिर चलते हैं ठीक है अच्छा एक का बस खाली प्रूफ करते हैं प्रूफ हाँ प्रूफ बेटे एक का करते हैं पहला वाला का करते हैं आरएचएस मतलब आरएचएस से ही एक पोर्शन हम लेते हैं बेटे बी माइनस सी बाई बी प्लस सी देखते हैं क्या होता है ठीक है ये देखो जो लिखा है ना ये लिखा है ना बी माइनस सी बाई बी प्लस सी ये क्या होता है देखते हैं गॉट इट हेलो अच्छा यस सर फ्रॉम साइन लॉ है ना फ्रॉम साइन लॉ आपको पता है साइन लॉ से ही आपको पता है कि ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी लेट इट बी इक्वल टू के लेट इट बी इक्वल टू के तो बी का जगह हम लिख सकते हैं के साइन बी सी का जगह लिख सकते हैं के साइन सी राइट बी का जगह क्या लिख देता हूँ इधर के साइन बी सी का जगह क्या लिखता हूँ के साइन सी के साइन बी प्लस के साइन सी बेटे ऊपर नीचे से के कॉमन है कट जाएगा राइट यस सर यस साइन बी माइनस साइन सी वाई साइन बी प्लस साइन सी बस बस अब देखो बेटे इधर आप ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो राइट ऊपर आप साइन सी माइनस साइन डी नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो राइट हेलो गेट इट हाँ ऊपर साइन बी माइनस साइन सी क्या फॉर्मूला होगा बेटे टू कॉस बी प्लस सी बाई टू हाँ एन टू साइन अरे बताओ रे बी माइनस सी बाई टू सी बाई टू हाँ डिवाइड बाई नीचे क्या होगा तो टू साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू कॉस माइनस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू टू साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस माइनस सी बाई टू तो देखो ये टू टू कट जाएंगे अच्छा तो देखो बेटे ये क्या होता है कि टैन बी देखो साइन बी माइनस सी बाई टू बाई कॉस बी माइनस सी बाई टू कितना हो जाएगा बेटे टैन बी माइनस सी बाई टू अच्छा कॉस बी प्लस सी बाई टू बाई साइन बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा बेटे टैन बी प्लस कॉट सर कॉट बी प्लस सी बाई टू यस सर कॉट बी प्लस सी बाई टू इज इट कॉट बी प्लस सी बाई टू ओके अब देखो बेटे अब सबको पता है सबको आपको पता है कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई इजिली हम सबको पता है कि एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पाई तो बेटे मुझे बताओ बी प्लस सी क्या होगा पाई माइनस ए राइट अच्छा तो बेटे मुझे बताओ बी प्लस सी बाई टू क्या होगा दोनों सर्व अगर टू डिवाइड कर दे दिस इज पाई माइनस ए बाई टू
मतलब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, अरे समझ रहे हो? यस सर। तो जरा बेटे सोचो, जरा बेटे सोचो, अगर दोनों साइड में हम कॉट ले जाए, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, कॉट बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, इजंट इट? तो बेटे कॉट बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, बेटे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा। तो ये क्या होता है? टैन ए बाई टू। अरे गॉट इट? यस सर। हाँ बस, तो इधर देखो बेटे जो लिखा है कॉट बी प्लस सी बाई टू, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? टैन ए बाई टू लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, ऑलरेडी था टैन बी माइनस सी बाई टू इंटू, ये क्या हो गया बेटे? टैन ए बाई टू है ना। और ये किसका वैल्यू है? किसका वैल्यू हम निकाल रहे थे? बी माइनस सी बाई बी प्लस सी का वैल्यू चेक करो। शुरुआत में बी माइनस सी बी प्लस सी का वैल्यू निकाल रहे थे। अरे समझ गए? यस सर। यस। बस तो बेटा आप देख सकते हो इधर से क्या निकल के आता है कि बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है बेटा? टैन बी माइनस सी बाई टू इंटू टैन ए बाई टू, इजंट इट? तो अगर टैन ए बाई टू को इस तरफ ले आए, डिवाइड कर दे वन से, और टैन बी माइनस सी बाई टू को अकेला छोड़ दे, टैन ए बाई टू इसमें के वन बाई टैन ए बाई टू क्या हो जाएगा? कॉट ए बाई टू। कॉट ए बाई टू। और ये ऑलरेडी है बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, ठीक है? इसको बोलते हैं नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, एंड चलो टेक द स्क्रीन शॉट एंड मूव ऑन। Take it. Done? No attendance. No attendance. I'm not going to send this recording to anybody. No attendance. Take the screenshot. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Take it. Done? Yes, sir. Take it. Yes, done? Sir. Hey, recording. Recording में इसीलिए. Yes, sir. Recording में इसीलिए send नहीं करूँगा. क्योंकि आप लोगों को अगर किसी को अगर जरूरत नहीं है पढ़ाई का, तो बिना परमिशन के मतलब मंगू ने मुझे बोला था कि सर आज क्रिसमस ईव है तो मैं आज नहीं आ सकता, तो मंगू का बात सही है। और जो बाकी के 50 बच्चे एबसेंट है, मुझे बिना पूछे एबसेंट है, बिना परमिशन के एबसेंट है, तो मतलब उनको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चाहिए, वो बिना परमिशन के एबसेंट हो रहे हैं। तो हम क्यों अननेसेसरली, हम थोड़ी ना मतलब क्या लगा रखा है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, क्या है हम सर्वेंट है घर के? सर्वेंट है क्या मतलब? नो सर। सेवा करते रहे सिर्फ वीडियो अपलोड करके आपको भेजे, आप मतलब पूरा क्लर्क बन जाए आपके मतलब, लेकिन आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, एग्जाम में खराब करते हो, ऐसा कैसे होता है? ऐसा नहीं ना, टीचर भी अगर देता है तो आप स्टूडेंट भी आप मुझे परफॉर्मेंस दोगे ना रिटर्न में, पढ़ाई नहीं देते हो फायदा क्या होता है? आई होप कि आप सुबह उठ के अभी पढ़ाई कर रहे हो, सुबह सुबह राइट, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो। यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।